तो मैं सीताराम गार्लिक कंपनी पे आ गया हूँ। भैया जी का गाड़ी भी आई हुई है पीछे, और ये गली देखो, ए ब्लॉक का एरिया है, और यहाँ पे देखो भाई। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज तारीख है 4 सितंबर 2024 और बुधवार का दिन है, और भैया के पास गाड़ी भी आई हुई है। कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, बढ़िया। तो भैया थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना दीजिए, आज गाड़ी कितना है? गाड़ी 8 है सर। 8 है जी। और आपके पास कौन सा गाड़ी है? एमपी का गाड़ी है। एमपी का गाड़ी जी, देखो पहले मैं गाड़ी दिखा देता हूँ दूर से ही। आज चलने का दम नहीं है मेरे में। और देखो ये देखो गाड़ी में व्यापारी भाई लोग आ गए हैं भैया से छीना झपटी करने। तो भैया जी बता, आज का जो गाड़ी है क्या दिखाई दे रहा है, रेट कैसा रहेगा, भाव कैसा है? सर मेन चक्कर क्या है, अब पहले से थोड़ा कवरे पकड़ रहे का है, आगे भी जिसे 20 रुपए जब नुकसान टूटे थे 20 रुपए तक कवर करने में तो 2-4 दिन तो लगेगा। मतलब रेट वही है, पुराना रेट ही चल रहा है, कल का रेट चल रहा है, डेली की डेली 5 रुपए आगे भी बढ़ रहे सर, बढ़ भी रहा है किसी किसी मालों में ना जी, नहीं सभी माल में, किसी किसी माल में नहीं, सभी माल में बढ़ रहे हैं। ओके ओके ओके। तो क्या एमपी का क्या भाव चल रहा है? एमपी का सर अभी 2-4 लाट बिके हैं, 220-230-240 तक अभी माल है, कुछ 270-260 रुपए तक माल। ओके, 260-270 तक का माल है जी, जी। ओके ओके। और नीचे क्या रेट नीचे है सर? कम से कम तो 200 से कम का कोई लहसुन नहीं है। 200 के कम का कोई लहसुन नहीं है, तो काफी अच्छी बात है। और ये आप मीडियम लहसुन में ज्यादा डील करते हो, आपका मीडियम लहसुन ज्यादा सेल होता है? बिहारी ब्रांड करते हैं। हाँ हाँ, बिहारी ब्रांड, बिहारी ब्रांड जिसे कली बनने वाले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए है ना कली लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कचरा तो निकलते ही नहीं है। कचरे नहीं, 5-6 किलो निकलते हैं ना, जो लेके जाते हैं कली लेके जाते हैं, उनको बोल रहा हूँ जो इनसे खरीदते हैं, जो ये लोग आपके व्यापारी भाई लोग है, ये लोग तो मेहनत करके कचरा निकाल ही देते है ना सारा, तो लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं, हमें पता है। और चलो कोई भी बात नहीं, अच्छी बात है, पसंद करना भी चाहिए। और ये बताओ भैया जी, हिमाचल का गाड़ी आ रहा है या नहीं? हिमाचल वाले सर कल गाड़ी लगेंगी दो। ओके, दो जी, दो लगेंगे, दो पिकअप कर दिए थे वो सर, आज ही लगने वाले थे, लेकिन हिमाचल में कल बहुत पानी पड़ा। ओके, पानी बहुत है, इसीलिए पानी पड़ने की वजह से करे भैया लोडे नहीं गाड़ी पे, भैया जी क्या करें। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिक्स लेके फायदा नहीं है, रिक्स हमके माल भी भींग जाएंगे, महंगा माल आइटम है जिसे 280-290-300 तक हिमाचल बिक रहे। ओके हिमाचल, ओके ओके, ये नहीं है कि कम नहीं है, ऊपर बाद नीचे से कम है तो 200 से कम का नीचे भी नहीं है। ओके ओके, हिमाचल वाले भी, हिमाचल में भी जी। ओके ओके। और ये छिपा बरोद का क्या रेट? छिपा वाला भी सर पोजीशन एक ही है, जिसे एमपी वाले या छिपा वाले पोजीशन दोनों सेम है। ओके ओके ओके। श्रीनगर आ रहा है? श्रीनगर अभी कहाँ आ रहे हैं सर, श्रीनगर आए भी किए थे तो सर 250-240-230 भी बिके, 260 भी गया, मतलब कुछ कुछ माल ना। ओके 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 ओके। और ये आपका हरियाणा? हरियाणा वाले सर वही बिक रहे हैं, मानिए कि 170 से लेके मानिए कि 240-250 तक वो भी बिक रहे, जो टॉप माल रहता है। ओके ओके, टॉप माल जो रहता है। ओके, और आपका जो ये राजस्थान का भी जो माल आ रहा है? राजस्थान वाले तो यही सर, जिसे कोटा वाले हो गए, कोटा वाले। हाँ, कोटा वाली गाड़ी नहीं लग रहे है, नहीं लग रहे है। ओके ओके। और यूपी का? यूपी वाले सर वही शंकर बिक रहे सर, मानिए कि 190 से लेके 250। यूपी में शंकर भी आता है जी? ओके ओके, शंकर। ओके, और देसी सब सब आता है यूपी में ना। ओके, इसका क्या रेट है शंकर का? शंकर का पोजीशन है सर 250 रुपए तक। ओके ओके, ऊपर 250 और बाद 260 तक भी बिकेंगे। टॉप जो बढ़िया वाले जो मराठी करते हैं शंकर, हाँ, वो जो रहेंगे ना सर, हाँ, बहुत महंगा बिकेगा, बहुत महंगा बिकता है। ओके ओके, अच्छी बात है। और उसका जो नीचे का माल है? नीचे वाले माल माने की सर 200 से लेके 230-240-250 सब। ओके ओके, मतलब रेट अच्छा ही है, रेट अभी अच्छा, कोई बुरा रेट नहीं है, रेट नहीं है। मतलब एक मतलब 10-20 रुपए कम हुआ था तो लोगों को निराश ही हो गया था, मतलब मन में की धड़कन हो गई। हाँ, सारे व्यापारी भाई के भी धड़कन तेज हो गई। हाँ, क्या हो गया लग रहा है भाई, जो फिर बाद में बहुत नुकसान लंबे हो गए बेचारा, फिर बाद में हिम्मत धरे के बिक्री डाउन होने की वजह सर जटने माल का। ओके, ना ऐसा होना भी चाहिए, तो भी तो आपको पता चलेगा, हमेशा बढ़ते जाएगा तो दिक्कत भी है ना, फिर बिक्री में सुस्ती आ जाएगा जी, सही बात है ना। ओके, तो बिक्री हो जाएगा ना आज आपका पूरा गाड़ी? दबा के बिकेगा, दबा के बिकेगा। तो कहा यार जाने का क्षमता नहीं है, हालत इतना खराब हो रखा है, नहीं तो मैं चल रहे गाड़ी पे भी दिखा देता, इसलिए एक ही जगह में खड़ा हूँ मैं। तो भैया जी ये बताओ, किसान भाई और व्यापारी भाइयों को क्या बताओगे? व्यापारियों भाइयों और किसान भाइयों से निवेदन यही है सर कि देखिए जितना माल है स्टॉकिंग जो रख रखे होंगे
तो माल थोड़ा थोड़ा निकालने में प्रेडेंस है, भविष्यवाणी कोई नहीं बता सकते क्या होंगे। ओके, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। जी जी जी, डायरेक्ट 20 रुपए भी नीचे आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ऊपर भी जा सकते हैं सर, क्या कि अभी ईरान वाले इलेक्शन भी बाकी है सर। हाँ, ओके, अभी जो भी गाड़ी आएंगे सर, रेट जिसे मंडी में बिकेंगे वो भी ज्यादा करके मंडी में आते हैं, आजादपुर मंडी में आते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि कम नहीं, ज्यादा करके मंडी में आते हैं। मंडी में आने की वजह से सर हिमाचल वाले के भी खत्म कर देते हैं, फिर एमपी वाले खत्म कर देते हैं, फिर कोटा वाले, कहा कि छिपा वाले तो ज्यादा 1 महीने और चलेंगे सर। बिल्कुल, वो फिर पंपिंग हो जाएंगे, खत्म होने लगे। ओके, इसीलिए मतलब जो ईरान का माल है प्रेशर बनाता है कहीं ना कहीं ना। ओके ओके, इसी वजह से बोल रहे जो भी माल है आप बता रहे हो किसान भाई और व्यापारी भाइयों को, जो धीरे धीरे सेल करते रहो, करते रहिए सर। करने में क्या है सर, जिसे 2 पैसे जो बेचारे को जो है पूंजी है तो पूंजी को निकल जाएंगे, जो फायदे वाले हैं वो रह जाएंगे, तो उसमें नुकसान भी होंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे आ ही जाएगा, कुछ तो आ ही जाएगा। आप बताए पूरे जैसे 50 लाख 60 लाख रूपए पूंजी लगा रखे सर, उनको बेचारे को जो सारे जो आधा जैसे 60 लाख में 30 लाख रूपए आएंगे सर, 30 लाख जो फूक जाएंगे तो बेचारे बचेंगे मर ही जाएंगे। बिल्कुल देखिए सर, थोड़ा थोड़ा जैसे माल निकालते रहने में फायदे हैं, फायदा है जो बचेगा थोड़ा माल, जिसे अब बच गया कि जिससे बचने वाला है, जिसे 10-20 लाख रुपया बच गए, चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी करके जो घटे चाहे बढ़े उससे 2-4 लाख रुपए जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं प्रॉफिट में से ना, लेकिन मोटा जाने से व्यापारी लोग के भी बेचारे को अगले साल व्यापार करने में दिक्कत है। अगले साल सर देखिए फिर मार्च आ रहे हैं, नए वाले में भी दिक्कत हो जाएंगे। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ओके ना, ऐसे तो व्यापारी आपसे जुड़े हुए हैं ना। जी जी, ओके ओके, तो आज ईरान का गाड़ी आया हुआ है क्या? ईरान का गाड़ी नहीं आया आज, नहीं आया, चलो अच्छी बात है, जिस दिन नहीं आता तो मैं भी खुश होता हूँ, देसी माली ज्यादा बिके मंडी के अंदर। चलो भैया मैं गाड़ी में चलता हूँ, मन नहीं जा रहा है मुझे, गाड़ी पे जाके थोड़ा बातचीत करते हैं, चलो बॉडी में क्या तबीयत खराब, पहले मैं देखता हूँ, जब तक इन लोगों से बातचीत नहीं करता ना मजा नहीं आता है, देखता हूँ कुछ उल्टे सीधे बातें करते हैं ना। ये वही लहसुन जा रही है 255 रुपए की भाई, 255 वाली लहसुन है भाई, देखो भाई देखो 255 वाली, ओहो देखो ये माल भी 255, कल ही बढ़िया निकलेगा ना इसका, दागड़ी है सर, ओके बहुत ही बढ़िया माल निकल रहेगा। और भैया लोग हल्का सा साइड दे दो, हल्का सा गाड़ी देखते हैं गाड़ी में कौन सा माल आया हुआ है, भैया जी आ जाओ, तो गाड़ी देखो ये माल है हाँ गाड़ियों में, अगर गाड़ियों में अगर ना आऊँ तो मजा ही नहीं है, अभी एनर्जी बना लिया हूँ पंखे के नीचे और एनर्जी बनाते ही आ गया हूँ, तो ये क्या रेट जाएगा? ये सर ये वाले लहसुन बिक गया 230 रुपए किलो बिक गया सर, 230 बिक गई। ओके ओके, और ये जो है ये वाले तो बताओ सर, अब गाड़ी जैसे कोलेदार लोग गाड़ी फाड़ रहे हैं, जैसे जैसे फाड़ेंगे उससे बिकते जा रहे हैं। ओके ओके ओके, ऐसे ऐसे बिकते जाएगा भाई, देखो भाई माल का वैरायटी देख लो माल का, और यहाँ पे ग्राहक ही देखो कितना भाई लोग है, तो टूट पड़े हुए है ना। जी जी, ओके ओके, तो और बताओ भैया जी क्या ये लोग से बात करवाओ, कौन सा लोग है जो ज्यादा माल खरीदते हैं आपके, कोई ज्यादा है? माल खरीदने वाले ये हैं सर, वो है कितना कट्टे डेली कम से कम तो 20 कट्टे बेचारे बेचते हैं, ज्यादा माल खरीदने वाले ये सेठ जी हैं। ओके सेठ जी है, ओके 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 ओके, जैसे ये सब भी कुछ था मंडी में किंग, जिससे बढ़िया बढ़िया जो लहसुन रहते हैं वही बेचते हैं सर। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया लहसुन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो दिन का कितना कमा लेते हैं पूछते हैं, भैया जी कितना कमा लेते हैं दिन का? 400 ना ना, जो सच है वो बताइए ना, सच बताइए, 2500-3000 बहुत ही अच्छा, कितने बंदे लगा के रखे हो आप काम? 3 आदमी रहते हैं बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस देखो ऐसे काम करते हैं भैया, और देखो यहाँ पे सारे भाई लोग आ गए धीरे धीरे, तो भैया जी कांटेक्ट नंबर दे दो सर, मोबाइल नंबर है 8287419198, सीताराम गार्लिंग कंपनी, 262। तो गाइस देखो मैं इसलिए गाड़ी पे लेके आया हूँ, इसमें भीड़ का पता लगता है, देखो गाड़ी में कितना किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है, और भैया के पास ये नहीं है जो सेलिंग नहीं होता है, खतरनाक सेल होता है। देखिए सर व्यापारी लोग भी ये भी कर रहे हैं कि सर कल फोन किए कहाँ से, कश्मीर से फोन किए, करे भैया बिक्री इतनी तागड़े होकर बाद हमली, कोई बात नहीं आप डालिए, आप भी डालिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी डालने में कोई दिक्कत मत कीजिए, पेमेंट के लिए भी टेंशन मत लीजिए, गाड़ी आए माल बिका अपना पेमेंट ले जाइए। ओके ओके, सुनने में आया हुआ आप अपना माल ही ज्यादा बेचते हो? देखिए सर अपना माल ज्यादा नहीं आ रहे सर कभी, अब जैसे आउटर का काम रहते हैं तो जैसे आरती को फोन कर देते हैं सर, कम से कम 2-4 पांच टन बना दीजिएगा, जिससे बढ़िया क्वालिटी के आते हैं सर। ओके ओके, जिसे बॉक्स वाले माल के जिसे ऑर्डर आ रहे हैं, कल ने परसों गाड़ी आएंगे ना तो उसमें बॉक्स भी रहेंगे सर। ओके, तो उससे मैं फोन कर देता हूँ आरती लोग के सर कम से कम मेरे लिए 5 टन बना दीजिएगा, 4-10 टन बना दीजिएगा, ऑर्डर कर देता हूँ ना सर, तो वो भी बेचारे भेज देते हैं। ओके ओके, अच्छी बात है ना, ना ना लोग बोलते हैं जो सीताराम भैया, तो मुझे कल एक पल्लेदार भाई मिल गया, बोला सीताराम भैया तो अपना माल भी
बेचते हैं, मतलब ठीक है मैं पूछ लूंगा बात। देखिए सर मेन चक्कर क्या है, आप जैसे बेचारे लोग, आप जैसे आरती लोग करें भैया जी हमारा को जो होता है नुकसान जा रहे हैं, ठीक है भैया नुकसान नहीं, चलो दो चार पांच टन जैसे हमारा ऑर्डर है वो भी निकाल दीजिए, अपना गाड़ी भी निकालिए। ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं हम करें सर कि अपना नहीं निकालिए। ओके ओके, देखिए सर उनको दो पैसे मिलेंगे सर तभी तो काम करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना पूंजी भी लगा रहे बेचारे के नुकसान हो जाएगा तो क्या काम। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आप भी रिस्क ले ही लेते हो कभी कभी। सर रिस्क तो उठाने पड़ेंगे, व्यापारी लोग के भी तो सहारा देने में पड़ेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सहारा देंगे तो बेचारे वो जी रहे हैं किस पे, हमारे पे जी रहे हैं, हमारे हम किसी और पे जी रहे हैं सर, वो सहारा सीढ़ी लगे हुए, सीढ़ी का जैसा चल रहा चेन सिस्टम है एक। थैंक यू भैया, तो दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं, चलते भैया।